क्लास टेंथ अ टाइगर इन दू ये चैप्टर नंबर टू के बाद जस्ट अपने चैप्टर नंबर टू दिस इज द पोएम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ओके तो पोएम का जो थीम है वो समझ लेते हैं दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन दू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटैट द पोएम मूव्स फ्राम द ज़ू टू दंगल तो यहाँ पर बताया ये क्या है कि जो पोएम है इसमें कुछ पार्ट डिस्क्राइब किया है पोयम का कि जब टाइगर एक जू में रहता है और कुछ पार्ट डिस्क्राइब किया है पोयम में जब वो अपने मतलब नेचुरल हैबिटेट जो कि जंगल है वहाँ रहता है एंड बैक अगेन टू द ज़ू ठीक है तो फाइनली सबसे पहले एक टाइगर कॉन्ट्रास्ट दिया गया है जब वो में, जू वो चिड़ियाघर में ज़ू में एंड फाइनली फिर बताया गया है कि जब वो जू में रहता है सॉरी oh, फिर जब वो जंगल में रहता है ओके इन द वुड्स और फाइनली फिर बताया गया अब आप आपस से जब वो जू में रहेगा रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंड स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल ठीक है पहले हम पोएम पढ़ेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोएम कहना क्या चाहती थी ओके फर्स्ट टू स्टैंड ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स स्टॉक्स का मतलब होता है चलना ठीक है विविड का मतलब होता है अनक्लियर और स्ट्राइप्स में जो हम देखते हैं येल्लो और ब्लैक की जो स्ट्रिप्स होती है ना टाइगर के ऊपर तो उसकी बात कर रहे हैं ठीक है स्टॉक्स मतलब होता है चलना ओके फॉलो करना तो जो टाइगर है वो अपने केज के अंदर मतलब तो चलता फिरता रहता है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ओके द फ्यू स्टेप्स का मतलब है कि कम स्टेप्स चल पाता है रीज़न क्या है यहाँ पर इस सेकेंड लाइन हमें ये बताती है कि जो एक तरह से उसका जो केज है वो बहुत छोटा है इसीलिए बहुत ही फ्यू स्टेप्स चल पाता है ओके वरना टाइगर बहुत मतलब तो ज़्यादा डिस्टेंस को बहुत ही कम टाइम में कवर कर लेते हैं ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट पैड्स का मतलब यहाँ पर टाइगर के पंजे हैं जिनको पॉज़ बोलते हैं ठीक है तो उसको पैड्स मतलब यहाँ पर पॉज है वेलवेट क्वाइट इसलिए बोला गया है वेलवेट एक क्लोथ होता है जो बहुत ही स्मूथ होता है और क्वाइट का मतलब शांति से तो जो टाइगर है वो बहुत धीमे धीमे ठीक है स्मूथली स्लोली स्लोली वो अपने केज के जो कुछ मतलब छोटा सा जो केज है उसमें जितने भी स्टेप्स ले पाता है उसमें बस गोल गोल ऐसे टहलता रहता है चक्कर काटता रहता है इन हिज क्वाइट रेज देखो क्वाइट वर्ड होता है शांत और रेज का मतलब होता है गुस्सा तो गुस्सा जब हो करता है इंसान तो बिल्कुल आग ब भूल आ जाता है शोर शराबा मचाता है इंसान तो यहाँ पर क्वाइट और रेज है ना ये दोनों अपोजिट वर्ड साथ में यूज़ किए गए ठीक है ऐसी जब कंडीशन होती है जब हम जैसे दो अपोज़िट वर्ड साथ में यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल ब्लैक एंड वाइट ठीक है तो इन सब चीज़ों को हम लोग ओनोमोटोपिया कहते हैं ओके सॉरी ऑक्सीमरॉन कहते हैं जब हम दो अपोज़िट वर्ड्स को यूज़ करते हैं ऑक्सीमोरॉन ओके okay? तो यहाँ पर यही बताई जा रही बात कि टाइगर के अंदर गुस्सा तो है बहुत ज़्यादा गुस्सा है रेज भरी पड़ी अंदर लेकिन वो शांत है ठीक है वो केज के अंदर अपना कैद है इसलिए शांत है अगर वो जंगल में होता तो वो शांत नहीं रहता ओके okay? कुल मिला पहले स्तानजा में जो बताया जा रहा है जो पोइट बताना चाहता है वो ये बताना चाहता है कि जो टाइगर है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है वो एक चिड़ियाघर में है एक जू में है और उसके ऊपर से वो एक केज के अंदर है तो एक तरह से जो उसका नेचुरल बिहेवियर है वो शो नहीं कर पा रहा है शांत है चुपचाप ठीक है जैसा कि मतलब जो उसका नेचुरल बिहेवियर है उससे बिल्कुल अपोजिट है वो ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज ठीक है यहाँ पर पोइट ये बताना चाहता है कि जबकि वो खेत में कैद है उसे होना कहा चाहिए उसे करना क्या चाहिए इस टाइम ही शुड भी लर्किंग शेडोज लर्किंग का मतलब होता है घात लगाना ठीक है शेडो का मतलब होता है छाए में या छुप के ठीक है तो टाइगर्स जब अटैक करते हैं ना अपने प्रे के ऊपर तो वो चुपचाप उस पर अटैक करते हैं मतलब पहले बहुत देर तक उसको फॉलो करते हैं प्रे को और उसके बाद छुपे रहते हैं अचानक से बिल्कुल तो अटैक करते हैं तो फाइनली वो बताना चाहते हैं कि ही शुड भी लर्किंग शेडोज की उसे चुपचाप घात लगानी चाहिए कहीं ना कहीं छुप के छाए में स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास स्लाइडिंग का मतलब होता है धीमे धीमे आगे मूव करना ठीक है थ्रू लॉन्ग ग्रास कि वो धीमे धीमे मतलब जैसे वो ट केच के अंदर नहीं चल रहा है शांति से ठीक है ये लाइन लिखी है ऑन द पैड्स ऑफ वेलविट क्वाइट किसी को पता नहीं चलता आवाज़ नहीं आती चलने की तो वैसे ही उसे स्लाइड करना चाहिए लॉन्ग ग्रास से नियर द वॉटर होल वाटर होल का मतलब ये नहीं कि पानी का छेद है तो इट इज़ इट मीन्स कि वाटर होल का मतलब है जहाँ पर कोई पॉइंट है जहाँ पर पानी घट्टा है उससे वाटर होल बोला गया है ठीक है और जंगल में जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वहाँ होता क्या है वहाँ पर बाकी एनिमल्स आ, पानी पीने वगैरह आते हैं ठीक है या एक तरह से नहाने आते हैं जस्ट बिकॉज नहाने वाले लिटल वो नहीं नहाते जैसे हम लोग यूज़ टू बात तो वह करने के आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट और होता क्या है फॉरेस्ट में जंगल में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से ट्रांसप्रेशन होता है ट्रांसप्रेशन की वजह से होता है क्या है वाटर मॉइस्चर जो होता है वो उतने एरिया में काफ़ी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा लगती है तो वो पानी में ठंडाते हैं एक तरह से एनिमल्स तो फाइनली यहाँ पर वो, वो वाटर होल पर करेंगे क्या वेयर प्लम्प डियर पास प्लम्प का मतलब होता है मोटे मोटे ठीक है हेल्दी तो यहाँ पर डियर सूखे सूखे नहीं मोटे मोटे आते हैं जो टाइगर्स को अच्छे लगते हैं मतलब जिनमें माँ ज़्यादा हो ठीक है फ्लैश ज्यादा हो वेयर प्लम्प डियर पास तो फाइनली यहाँ पर पोइट सेकेंड स्टैंड में ये कहना चाहता है कि उन टाइगर्स को घात लगानी चाहिए ठीक है लॉन्ग ग्रास से स्लाइड करना चाहिए ठीक है और कहाँ पर वाटर होल के पास मतलब के पास वनरली टाइगर वहीं पर रहते हैं वहीं पर जब भूख लगती है तो वहीं जाते हैं ठीक है और वाटर होल पर क्यों रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पर प्लम्प डियर आते हैं मतलब काफ़ी हेल्दी डियर्स आते हैं ठीक है इसलिए तो यहाँ पर देखो पोइट हैं दोनों बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट uh, की बात की है एक जगह जहाँ टाइगर बिल्कुल एग्रेसिव दिख रहा है स्टाइनजा नंबर टू में जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है और स्टैंडा नंबर वन में वो बता रहा है कि टाइगर के रह रहा है जहाँ पर वो अपने नेचुरल हैबिटेट नहीं में नहीं है इसलिए वो अपने बिल्कुल नेचुरल बिहेवियर शो नहीं कर पा रहा है ठीक है तो फर्स्ट स्टैंडा और सेकेंड स्टैजा ध्यान रखना अभी भी हम लोग पोएम का ओवरऑल मीनिंग नहीं जान पाए क्योंकि हमने केवल उन्होंने फर्स्ट और सेकेंड स्टाइजा पढ़े हैं